गुड इवनिंग सर, उम्मीद है आपको नैरोबी के इस सफर में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। मिस्टर सिंह, मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर, रूम नंबर 9। साइन है प्लीज। ये लीजिए चाबी। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट। ओके सर। क्या पंक्चुअलिटी पाई गया सेठ जी हम दोनों ने। आई होप दिस जर्नी हैज नॉट टायर्ड यू। तो मेरा तार आपको ठीक वक्त मिल गया। जी हाँ, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे क्या बात? जी हाँ, सब ठीक है। आपके पार्टनर के अचानक कत्ल होने के बाद शायद आपको इस वसीयत की जरूरत पड़ी। मैं जमनादास व्रत प्रभुदास अपने होश हवास में वसीयत करता हूँ कि मेरे बाद मेरी तमाम जायदाद की मालिक मेरी बेटी निम्मो होगी। अगर वो अपनी जिंदगी में यह जायदाद अपनी खुशी से किसी को देना चाहे तो उसे पूरा इख्तियार है, लेकिन अगर वो ऐसा न करे तो उसकी मौत के बाद इस जायदाद की मालिक मेरी भतीजी रागनी होगी, और रागनी की मौत के बाद आपने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप इतनी जल्दी रंगून वापस क्यों जा रहे हैं? जरूर रुकता, मगर नहायत ही जरूरी काम है। आई होप यू डोंट माइंड। आई थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। डबल 5889 प्लीज। हेलो हेलो, अशोक, मैं जमनादास बोल रहा हूँ। चाचा जी। हाँ, मैं आज ही नैरोबी से आया। चाचा जी, आपने जैसा मुझसे कहा था वैसा ही मैंने किया। मैंने निम्मो को खत लिख दिया था, आज 3 दिन हुए रंगून से यहाँ आ गई। तुमने उसे मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? लेकिन चाचा जी, ये सब क्या पहेली है, मेरी समझ में नहीं आया। अशोक और निम्मो, अरे मैं अभी आता हूँ। तुम इसी वक्त मेरे पास चले आओ, मैं रूम नंबर 9 में ठहरा हूँ। मुझे तुम्हारी और निम्मो की शादी के बारे में तुमसे कुछ बातें करनी। ओ, तुम जल्दी चले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
हेलो निम्मो। क्या कर रहे थे इतनी देर? किससे टेलीफोन पे बातें कर रहे थे? घबराओ नहीं, किसी लड़की से नहीं। निम्मो एक काम करो, तुम अपने होटल में मेरे इंतजार करो, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। कहीं जा रहे हो? हाँ, जरूर काम। और वापस से मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ, यही, मैं किसी से शादी। शादी? किससे शादी भाई? अरे भाई, मेरी शादी किसी खूबसूरत लड़की से। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ले काम कर। बोलो। निम्मो के होटल में छोड़ दे, मुझे एक जरूरी काम है। अब भाई, मुझे भी तुझसे एक जरूरी काम है। अरे भाई, दोस्ती का फर्ज ये नहीं, दोस्त को चाहिए। समझ गया। चलिए मैडम चलिए, नहीं तो ये आठ घंटे तक लेक्चर ही देता रहेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अपना सिगरेट भूल गया। देखना, अजीब आदमी है, कभी विजिबल कभी इनविजिबल। चलिए आइए। मिलने के लिए रंगून से यहाँ आना पड़ा। पता चला कि आप नैरोबी से बंबई आए हैं और फिर यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया। क्या इस बार यूए में कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है या किसी और खास काम के लिए रुपया चाहिए? मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए जीवन, ये जायदाद मेरी अपनी मेहनत की कमाई हुई है। अपना खून पसीना एक करके मैंने ये दौलत इकट्ठी की है। तुम्हें आज तक जो कुछ देता रहा हूँ वो तुम्हारा हिस्सा न था, मेरा फर्ज था। ये सब झूठ है, सरासर झूठ। मैं भी इस जायदाद में बराबर का हिस्सेदार हूँ। मैं अपना हिस्सा मांगने आया हूँ, भीख मांगने नहीं। आपने वकील को बुला के नया वसीयतनामा लिखवाया है, मैं उस वसीयतनामे में अपना नाम देखना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम और भी कई जगह लिखा जा चुका है, क्या इस वसीयतनामे में भी लिखना जरूरी है? होश की दवा करो, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी बहुत से जरूरी काम करना है। मैं भी आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। तुम जुए और शराब में इस कदर डूब चुके हो कि तुम्हें अपनी बच्ची की जिंदगी का भी ख्याल नहीं रहा। याद रखो, तुम मेरी जायदाद में से एक कौड़ी के भी हकदार नहीं हो। चले जाओ यहाँ से। नहीं, आज मैं अपना हक लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। आज तुम मुझसे अपना हक मांगने आए हो? हाँ। जानता था कि आप दौलत के लालच में अपने भाई का खून भी कर सकते हैं। सिर्फ खून मैंने नहीं किया, मैं सच कहता हूं, खून मैंने नहीं किया। खून आपने नहीं किया। इस म्यूजिक बॉक्स में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर है अंकल, मैंने तो वसीयत की बातें रिकॉर्ड करने के लिए रखा है, मगर आपका ड्रामा रिकॉर्ड हो गया, सुनेंगे? मैं सच कहता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। ठीक, अंकल, अब तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। जानते हो, ये बातचीत आपको फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है। यस प्लीज।
मिस्टर जमुना दास जो नैरोबी से आए हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका नाम? अशोक कुमार। वन मिनट प्लीज। पूछिए पूछिए। अंकल फोन उठाओ। हेलो मिस्टर अशोक, आपसे मिलना चाहते हैं। अशोक मिलना चाहते हैं। कहो, भेज दो भेज दो। यू कैन गो। अरे सर जब फेंक दीजिए, बुला दीजिए। थैंक यू। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। चल जी, चाचा जी, जरूर बात करनी। और मुझे भी तुमसे कुछ कहना है अशोक। तीन दिन हो गए मुझे बॉम्बे आए हुए और एक दिन भी तुमसे खुल के बात नहीं हो सकी। मेरी बात तो सुनो नुम्मो, मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम्हारे पिताजी। मैं जानती हूँ तुम पिताजी से डरते हो, मगर अब डरने की कोई बात नहीं, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगी। पर मेरी बात भी तो सुनो। आती हूँ, अभी आती हूँ। निम्मो प्लीज जरा तुम टावल लपेट के बाहर आ जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। कैसी बातें करते हो, टावल लपेट के कैसे आ सकते हो भला बाहर? मैं अभी आई। हाँ एक मिनट में कपड़े बदल के आई, देखना कहीं जाना नहीं। हाँ हो
मगर आज एक नई कहानी लेकर आए कहानी हम अपनी आखी देखी बात बोलता है तुमको। आखिर बात क्या है? क्या होगी, शराबी का नशा है। जनाब डिसोजा ने एक बेहोश लड़की को हवा में चलते हुए देखा और फिर वो लड़की अपने आप मोटर में आ गिरी। मजे की बात यह है कि ड्राइवर नदारद, गाड़ी चल पड़ी। तुम क्या सोच रहे हो रमेश? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना स्पॉट पर जाकर देख लिया जाए। आ गए ना अपनी जगह पर। रमेश, तुम्हारे बाप ने जो इतनी सारी दौलत छोड़ी है ना, मुझे डर है कि तुम्हारा जासूसी का शौक उसे खत्म करके छोड़ेगा। है, तुम कहते हो तो चलना ही पड़ेगा। चलो डिसोजा। चलो। देखो हम उसको छोकरे को इधर से आते देखा, इस दरवाजे में और इधर वो गाड़ी खड़ा था, छोकरी गाड़ी में धंग से गिरा और इधर डालने का कसम गाड़ी बुलंद तुमको इतने गौर से क्या देख रहे हो रमेश? डिसोजा ने जो कुछ कहा था वो सच लगता है मुझे। ये केस जरूर उसी लड़की का है। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? ये जो सेकंड फ्लोर पर तुम लाइट देख रहे हो ना, वहाँ। मगर क्या है, चलो ना तुम मेरे साथ। दरवाजा खुला है और कमरे में कोई नहीं।
आयत से जाहिर होता है कि कोई रंगून से आया है। आया है नहीं मेरे दोस्त, आई है। आई है? तो इसका मतलब है उसे किडनैप कर लिया गया। हवा में किले बनाना तो तुम जैसे जासूसों का ही काम है। पुलिस को सबूत चाहिए, ठोस सबूत। ठोस सबूत? निम्मो, एक मुद्दत के बाद तुम्हें मेरा यह खत पढ़कर हैरानगी होगी। कल ही मुझे नैरोबी से तुम्हारे डैडी का टेलीग्राम मिला है, एक नहायत जरूरी काम है। यह खत मिलते ही तुम फौरन प्लेन से बंबई चली आओ। एरोड्रोम पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाकी मुलाकात पर तुम्हारा अशोक। अशोक? ये कौन अशोक है? ये जरा देखो, ये तो अशोक नहीं है। यही है। अब सारा केसा अनेक तरह साफ है रमेश। तुम्हें याद है रमेश, आज से कुछ साल पहले इसी अशोक ने मिस्टर एक्स बनकर जो कारनामे किए थे। तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब साफ है, ये मिस्टर एक्स का केस है। वही एक आदमी है जो ऐसी दवाई तैयार कर सकता है जिसे पीकर वो तो सबको देख सकता है लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। मेरा ख्याल है उसी ने इस मासूम लड़की को किडनैप किया है। वो फिर एक बार मैदान में आ गया है। आप इस रूम की तरह चली जाइए। जब मुसीबत है। आधा बजे इंस्पेक्टर साहब। तो तुम हो? जी हाँ। पुलिस को देख के भाग तो रहे थे? मैं क्या भाग रहा था, आपकी पुलिस मेरे पीछे भाग रही थी। अरे बाप रे, एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो पुलिस मेरे पीछे भागती है, और अशोक बार बार एक्सपेरिमेंट करता तो उसके पीछे कोई भागता ही नहीं। हमारे नसीबे खराब है। अशोक कहाँ है? मुझे क्या मालूम कहाँ है। अगर अशोक होता तो ये मुझे एक्सपेरिमेंट करने देता? अजीब बात करते हैं आप। इंस्पेक्टर साहब, खैर तो है, अशोक पर कत्ल का इल्जाम है। अच्छा हुआ। हाँ? क्या कह रहे हैं आप? अगर वो यहाँ आए तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम पुलिस को इत्तला करना। क्या कह रहे हैं आप? ये हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि पुलिस को खूनी के हवाले करे। क्या मतलब? तो बात मेरा मतलब है कि हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि खूनी को पुलिस के हवाले करे। गलती हो गई, आप जा सकते हैं। खूनी को पुलिस के हवाले करे। अशोक आ जाओ, लाइन क्लियर। अशोक मैं ये कह रहा था कि तुमने यार बैठे बिठाई ये मुसीबत क्यों मोड़ ले ली? उस बुढ़े का खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया, मैं कह चुका हूं मैं बेकसूर हूं। मुझे तो निम्न की फिक्र खाई जा रही है, न जाने वो किस हाल में। जिस हाल में तुम हो उसी हाल में वो है। मुरली मैं रंगून जाना चाहता हूँ, तुम मदद कर सकते हो? रंगून? रंगून किस लिए भाई? इसलिए जिस वक्त मैं होटल में जमुना दास जी से मिलने गया था उस वक्त मैंने उनके भाई और उनके सेक्रेटरी वहां से निकलते देखा। तो क्या हुआ? बाद में एरोड्रोम से पता लगा कि उसी रोज दोनों के दोनों रंगून रवाना हो गए। क्या मतलब हुआ इसका?
तो जरूर कोई दाल में काला है, इसलिए मैं कहता हूँ तुम अगर मदद करो तो मैं रंगून जाना चाहता हूँ। मेरे यार, मेरे बाप की दौलत किस काम आएगी, लेकिन तुम इस हालत में कैसे जा सकता है, लोग तुझे पहचान लेंगे। मैं समझता हूँ फिर मुझे मिस्टर एक्स बनना पड़ेगा, हर हालत में जमुना दास जी के कातिल का पता लगाना है, निम्मू को तलाश करना है। ओके लेट्स गो। ये लो तस्वीर। तो तुमने तय कर लिया कि शल्ला गोम से जासूसी में टक्कर लेकर ही छोड़ोगे। बात मजाक की नहीं है दिनकर, तजुर्बे की। और फिर मेरे लिए जिंदगी में इससे बड़ा तजुर्बा और क्या हो सकता है कि तुम हवा में तिले बनाते रहो। ठीक है, बड़े बाप के बेटे हो, न कोई आगे न कोई पीछे, मगर तुम अपने को तनहा न समझना, तुम मेरे दोस्त भी हो और अजीब। वो मैं जानता हूँ, और ये तस्वीर मेरे लिए बहुत काम आएगी। रंगून में कुंदन को मैंने तार दे दिया है, वो एरोड्रोम पर आ जाएगा। चलो इस बहाने एक बिछड़े हुए दोस्त से मुलाकात भी हो जाएगी। वो कंबक जब से रंगून में चीफ सीआईडी इंस्पेक्टर हुआ है मुझे तो बिल्कुल ही भूल गया है। मेरा ख्याल चलना चाहिए, लेट्स गो नाउ। चलो थैंक यू। पासपोर्ट प्लीज। I am in the queue. Excuse me. I am very sorry. ये पासपोर्ट आपका है? सब बात दरअसल ये है, 20 साल पहले मेरे बाप ने ये मेरे लिए बनाया था, और ये पासपोर्ट जो है ये मैंने अपने लिए अभी बनाया है। आपको जो पसंद है वो रख लीजिए। जी वो तो सुना है आपने, वो मिसाल है कि यूरोप में लेडीज फर्स्ट और हिंदुस्तान में सेफ्टी फर्स्ट। क्या करता है यार, सीधा खड़े रहना आदमी के वापस। रंगून का सैर करने जा रहे हैं? जी नहीं सर, मैं इन्हें सैर कराने ले जा रहा हूँ। ओ है, माफ करें जरा। अच्छा बाय बाय। बदतमीज। इंग्लिश में गाली दे कर गई सर, अभी से तुमने रंग दिखाना शुरू कर दिया। सीधे से चलो चलो, रंगून बहुत दूर है अभी। अच्छा आप पहले से यहाँ तशरीफ रख रहे हैं, वाह कमाल कर रहे हैं आप। कर रहा है ये, गड़बड़ हो जाएगी, आराम से बैठना। जी मैं कॉफी पीऊंगा। नहीं चाय है जी। नहीं कॉफी पीऊंगा, इरादा बदल गया है। काय को बड़बड़ बड़बड़ करता है यार, चाय कॉफी चाय कॉफी। अभी कमाल करती हूँ। फिर मारा। अरे बस करना यार, क्या करता है, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। थैंक यू। जी नो नो थैंक यू, नो मिल नो मिल। मैं क्या पियूं? तुम अपने लिए दूसरा कप मंगवा लो ना। वो क्या कहेंगी? वो क्या कहेंगे, मुझे क्या मालूम। तू बड़बड़ मत किया करना यार, खामखा मारे जाएंगे।
गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. एनी ड्रिंक सर? नॉकआउट. नॉकआउट यानी जिन रम एंड विस्की? बस जिन रम एंड विस्की. क्यों मुंह को ताक रहे हो? देख नहीं रहा सर, सोच रहा हूँ एक मुद्दत के बाद किसी ने इस किस्म के कॉकटेल का ऑर्डर दिया है. अच्छा अच्छा, किसने? कौन था वो? अपने मालिक की बेटी से उसकी शादी होने वाली थी. वो शादी नहीं हुई. किस्मत की बात है, बड़ा ही दिलेर आदमी था. आजकल कहाँ है वो? ना जाने कहाँ है. जब से अपने मालिक का मर्डर हुआ है यहाँ की दुनिया ही बदल गई है. छोटे भाई ने शराब पी पी के बुरी हालत कर रखी है. वो लड़की बॉम्बे में कहीं गायब हो गई है. Very sorry to hear that. सुना है ये मिस्टर एक्स का काम है. मिस्टर एक्स? हाँ मिस्टर एक्स. Yes, Mr. X. What's this? एक्स? ये एक इंस्पेक्टर का हाथ है जो मुलजिम को अच्छी तरह से पहचानता है. मेरा ख्याल आपको कुछ गलत फहमी हो रही है जी. आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे वाकई कुछ गलत फहमी हो गई. नॉकआउट जी. ड्रिंक? नो थैंक यू. मेरा ख्याल है ये मुझे मिस्टर एक्स समझ बैठा. वेयर इज माय ड्रिंक? सॉरी सर, सॉरी सर. कमाल है यार तुम यहां, मैं तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा हूं. रियली? यार तुम्हारी हॉलीडे इन रंगून हमें बहुत पसंद आया. चारों तरफ रोशनी रोशनी. Thank you.
घरों में नशा कैसा भरा है कि जो एक बार आया यही का हो गया है। न जाने इस हवा में नशा कैसा भरा है कि जो एक बार आया यही का हो गया है। मैं चलने दो जो दिल मचले के देखा जाएगा जो हो प्यार का अंजाम। बड़ी रंगीन है रंगों की ये शाम, बड़ी रंगीन है रंगों की ये शाम। नजर भर देख लो जन्नत है इसी पाना। बड़ी रंगीन है रंगों की ये शाम। रंगून में कदम रखे पहला दिन और पहले दिन मैं इस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। इससे उसकी बहन को तलाश करने में बहुत मदद मिल सकती है। राजनी का ख्याल छोड़ दो, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता, बहुत जिद्दी। एक हिंदुस्तानी रिपोर्टर से जरूर मिलेगी, और अगर न मिली तो यार मैं जासूसी छोड़ दूंगा। शर्त लगाते हैं आप? लग गई शर्त। आओ चले, एक दिन तुम्हें दिखा के रहूंगा, लड़की अपने आप खींची चली आएगी। क्या समझे? हंस लो यार। आजकल रंगून में तो तुम्हारी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, क्या रिपोर्टरों को कुछ रिश्वत देती हो? एक अखबार और उनके रिपोर्टर्स, मुझे नफरत है इन सब से। मेरा बस चले तो गोली मार दूंगी। एक तो आप ही के सामने हाजिर है, शौक पूरा कर लीजिए, मगर हाँ गोली मारने से पहले इंटरव्यू जरूर दे दीजिएगा। देखिए मैं हिंदुस्तान से आपकी तारीफ को सुनकर आ रहा हूँ। आपकी बहू में बिजली आपकी आंखों में जादू और आपके हाथों में जी, इसकी तो हिंदुस्तान में बहुत तारीफ सुनी। ये तो चलचित्रों की भारतीय वहां प्रचलित है, और यहाँ भी उपस्थित। कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? अजी हिम्मत की क्या बात करती हैं आप, जान हथेली पर रखकर बड़ी दूर से हाजिर हुआ हूँ। अच्छा तो नजदीक आइए। जी जी आइए आइए और आइए। एक तस्वीर प्लीज। ये लो तस्वीर। आप सब लोग क्यों तकलीफ कर रही हैं? इंटरव्यू तो मैं इनका लेके रहूंगा, हिंदुस्तानी रिपोर्टर हूँ, मगर इस हिंदुस्तानी तरीके से नहीं। अच्छा फिर मिलेंगे, बाय बाय टाटा। हेलो हेलो, रूम नंबर 10 में एक इंडियन प्रिंस आकर ठहरा है, वो मालदार भी है और जरा उसका खास ख्याल रखा जाए। मुझे शक है कि वो एक्स का साथी। आप लोगों को जादू देखना है यानी मैजिक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हिंदुस्तानी मैजिक में तो मैजिक होता है, लेकिन मैं हाथ की सफाई आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आस्ते देखे ना सिगरेट का, ये डालते अब देखिए उठेगा। जरा आप लोग ताली बजाइए। खामोश। ए स्टेज जरा हवा में उड़ जाओ, उड़ जाओ। अब ये स्टेज वहां जाएगा टेबल पे, बैठ जा शाबाश। अब देखिए वो तकिया यहाँ आएगा। ऐ सवाल, ये सब कमाल की बातें हैं, चलिए चलिए बजाइए ना। वाह वाह, अरे 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 क्या करता है वो हवा। अरे अरे नहीं यार, चलिए चलिए। अरे अरे क्या करता है यार? क्या हो रहा है सर? ये योग का प्रयोग हो रहा है। बाय फ्रेंड, बाय 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 बाय। बाबा गर्ल्स, आपकी तारीफ। मैं मैनेजमेंट की तरफ से आपको पूछने के लिए आई थी, कुछ तकलीफ तो नहीं है? है जी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी होने लग गई है। सुनिए तो प्लीज। अरे यार क्या करता है? अरे अरे क्या हरकत है यार, कौन है यार? हम यहाँ काम करने आए हैं, जादू का तमाशा करने नहीं। मैं वो लड़की लोगों का अपना जरा कमाल दिखा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि तुम कमरे में हो, लेकिन अब भी हो या नहीं? हे उस्ताद कहाँ हो?
मैं यही हूँ, तुम आगे बढ़ो। अरे क्या हाँ बोलू, जब देखो जब तंग करते रहता है। अरे कभी अपनी इज्जत का भी तो ख्याल किया कर यार। फिर वो बात। अरे अरे कपड़े पहन लिया ना। हाँ, अब सुन मजाक की बात छोड़, बोल। हमें रागिनी से मिलना है। रागिनी? ये रागिनी कौन है? वो निम्मो की बहन, कजन सिस्टर। शायद उसको कुछ पता चल जाए। अरे पता तो चल जाए, लेकिन उसका बाप टकरा गया तो? उसका बाप अगर हुलिया बदल के दोस्त, हुलिया बदल के जाना हो तो मैंने एक पिक्चर में ऐसी सिचुएशन पे हीरो को साधु का भेष बदलते हुए देखा था। क्या ख्याल है? ख्याल बड़ा अच्छा, कभी कभी तुमने अकल आ जाती है। तुम्हारी दीदी का कुछ पता चला? जी नहीं। तुम्हें किसी पे शक है बेटी? शक? ये सिंह कैसा आदमी है? ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं वकील साहब? यूं ही। आ गई। कौन है आप? जी मैं। ओ नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैं एक एक नाथ हजार दास का एक शीश। आप हिंदुस्तानी? मैं हिंदुस्तानी। लेकिन आपका ये लिबास? जी जैसा देश वैसा भेष। मेरे गुरु हिमालय की चोटी से मातृभूमि हिंदुस्तान की पैदल यात्रा कर रहे हैं। गुरु? जी हाँ, हिमालय से राजकुमारी तक, राजकुमारी से हिमाचल तक, हिमाचल से धर्मतला तक, मेरा मतलब है धरातल तक, धरातल से रंगून तक, उन्हें कौन नहीं जानता। लेकिन आपके गुरुदेव है कहाँ? यही तो बात है, आप अगर जरा सा फिर जाए तो मेरे गुरुजी वहाँ खड़े हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ महाराज? जय भगवान, सेवा तो हम तुम्हारी करने आए हैं बच्चे। तुम्हारे माथे की रेखा से पता चलता है कि तुम्हारे सितारे बहुत गर्दिश में हैं। तुम परेशान हो? सच है महाराज। तुम्हारी कोई प्यारी चीज खो गई है? ये भी सच। तुम्हारी बहन? हाँ, दक्षिण भारत की यात्रा करने गई थी, वहां से लौटी नहीं। बेटी क्या तुम्हें यकीन है कि किसी ने उसे जानबूझकर छुपा दिया? हाँ महाराज। तुम्हें किस पर शक है बेटी? एक आदमी है। एक आदमी है? हाँ। कौन है बेटी? वो है कौन है बेटी? वो है मिस्टर एक्स। कौन और तुम? डैडी, ये बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। ओ महाराज, हम भी तो देखे आप कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। डैडी, इन्होंने बताया कि निम्मी दीदी को किसी ने गायब किया। चुप रहो, तुम कैसे जानते हो? इसने तुम्हें बताया? ज्योतिष विद्या ने, सितारों ने। बकवास बंद करो। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सब कुछ जानते हो? ज्योतिष विद्या सब कुछ जानती है, लेकिन तुम्हारे को क्रोध का पर्दा पड़ा हुआ, इसलिए तुम असलियत को जानना नहीं चाहते। असलियत? अच्छा ये बताओ कि निम्मो बंबई में किससे मिलने गई थी? हम बता सकते हैं। बताओ। लेकिन हम बताएंगे नहीं, क्योंकि तुमको ज्योतिष विद्या पर विश्वास नहीं, इसलिए हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। महाराज ठहरिए। महाराज का जहाँ अपमान होता है, महाराज वहाँ कभी नहीं ठहरता। शराब बुरी चीज है, नीच काम करवाती है, झगड़ा करवाती है। अब तो मौत ही मुझे नई जिंदगी दे सकती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सामने है अंकल, हाथ बढ़ाओ और अपनी जिंदगी हासिल करो। आप फिर डैडी के लिए शराब लाए? मैं आपसे कई बार कह चुकी। हाँ सिंह, अब मैं पीना नहीं चाहता, मरना चाहता। इतनी आसानी से? नहीं अंकल, लोग क्या कहें कि छोटे भाई की मौत के बाद इतना बड़ा आदमी शराब में डूब के मर गया। तुम्हें अभी जिंदा रहना होगा, अपने लिए ना सही
मेरे लिए, रागनी के लिए। सिंह अंकल, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है अंकल, उसे इस तरह गवा देने से क्या फायदा? जो हो चुका उसे इस शराब में डुबो दो, और जो होने वाला है उसकी फिक्र करो। मरना तो है, उस तरह ना सही इस तरह से। लो पियो। नहीं पियो अंकल। मैं कहता हूं मैं नहीं पीऊं। बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा किया जो शराब छोड़ दी। बंद कर दो ये म्यूजिक। क्यों, क्या म्यूजिक से दिलचस्पी नहीं रही? इस म्यूजिक के बाद ही तो असली ड्रामा शुरू होता है, जिंदगी और मौत का ड्रामा। क्या उस ड्रामे से दिलचस्पी नहीं? सिंह, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे? लो और सुनो राजी, मैं तो इनके जख्मों पर मरहम रखना चाहता। सुनो, इतना प्यारा म्यूजिक। डैडी, डैडी आओ। राघवी, देर हो रही है, अंकल को अकेला छोड़। मगर डैडी को। ये तमाशा तो तुम रोज ही देखती हो, आओ। उफ, तमाम मेहनत बेकार गई। मुझे तो शक है कि रागनी ने तुम्हें पहचान लिया। सोच क्या रहे हो? सोच रहा हूं कि रागनी मुझे पर शक करती है। लेकिन तुम्हें किस पे शक है? सिंह के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वही जो तुम्हारा ख्याल है, मैंने सुना है कि सिंह भी रागनी को हासिल करने के चक्कर में। कोई चक्कर तो जरूर है। क्या ख्याल है अगर मिस्टर सिंह और मिस्टर एक्स की मुलाकात हो जाए? मिस्टर एक्स भाई साहब, जब से रंगून पधारे हैं बस मुलाकात ही मुलाकात है। रमेश रागनी से मुलाकात करता है, आप रागनी से मुलाकात करते हैं, मेरा सब तो चक्कर खा गया है। असल की बात है, तुम्हें समझने में जरा देर लगेगी। क्यों रमेश रागनी के पीछे पड़ा हुआ है? क्यों? क्योंकि इस राज के हल करने में रागनी से बहुत मदद मिल सकती है, समझे? हाँ एक्स तुम? आखिर पहचान ही लिया। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? लेने कुछ नहीं, सिर्फ हिसाब चुकाने आया हूँ। सिंह, मैं जानता हूँ तुम्हें मालूम है कि निम्मो कहाँ है। बेहतर है मुझे बता दो, वरना न मैं खुद चैन से बैठूंगा न तुम्हें बैठने दूंगा। इधर आओ। ये नंबर मैं लगा देता हूं। कौन चाहिए? पुलिस थी आपके साथी? छोड़ दो फोन। घबरा गए, पसीना आ रहा है। लो पानी पियो। पियो। मैं जानता था तुम यही करोगे और मैं इसके लिए तैयार था। फिर धोखा खा गए। मैं वहां नहीं, यहां हूं। सामने आ जाओ वरना गोली छोड़ा दूंगा। गोली चला दूंगा? किस पर गोली चलाओगे? किस तरफ गोली चलाओगे? मैं आ रहा हूं सामने। गोली चलाएंगे।
आंखों से गुड बॉय और सोच रहे हो कि दिखाई दे जाए तो मजा चखा दो लेकिन अफसोस खुद ही मजा चखा दो। बताओ निम्बू कहाँ है? कौन निम्बू? कैसे निम्बू? मैं कुछ नहीं जानता। तुम सब जानते हो सिंह, और मैं जानबूझकर अनजान बनने वालों को कभी माफ नहीं करता। बताओ कहाँ है निम्बू? मैं सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं बताओगे? दूसरे जन्म तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा सिंह। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रहे अगर निम्बू न मिली तो तुम्हारा नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ यहां से, जाओ। मुझे बचा, बचा, कोई निकालो यहां से, बचा। क्या हाल है लड़की का? सबसे खराब है लड़की का। देखो वो बाहर की दुनिया आगे देख रहा है, समझे? यस सर। यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंह? सिर्फ आपका इंतजार। तुम फिर? मैंने आपसे कहा था ना तुम फिर मिलेंगे। तुम आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। मिस रागिनी देवी, शायद आपको ये नहीं मालूम कि इंश्योरेंस एजेंट, इनकम टैक्स और रिपोर्टर्स ये आसानी से नहीं चल सकते। आज तो मैं तय कर गया हूँ कि आपसे दो दो हाथ जरूर करूंगा। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आपकी जबान चलेगी और मेरी कलम। हाँ, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी उम्र, आप कहाँ पैदा हुई और आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किसे करती हैं? अपने आप को, अपने आर्ट को, या अपनी उस बहन को जो गुम हो गई? रागिनी, जरा सुनिए आप। रागिनी जी, ऐसी भी क्या नाम है? चमक जुल्फों में घटा लहराती है, चल थम के जरा, चल थम के जरा, शोला बदन मेरी जान निकलती जाती है, चल थम के जरा। हर एक अदा दिल लूटे, हर जलवा तेरा है कातिल, हर एक अदा दिल लूटे, है चाल में तेजी जैसे,
एक तीर कमान से छूते जब चलते हो तुम, जब चलते हो तुम कहते हैं सभी हट जाओ कयामत आती है, मुखड़े पे तेरे बिजली की चमक जुल्फों में घटा लहराती है, चल थम के जरा तरह बल खाती डालो ना इधर तुम फेरे, नागन की तरह बल खाती डालो ना इधर तुम फेरे, है ताक लगाए बैठे हम जैसे तो लाख सपेरे, कितना भी जहर नागिन में रहे जब बीन बजे फंस जाती है, मुखड़े पे तेरे बिजली की चमक जुल्फों में घटा लहराती है, चल थम के जरा है खोने वाली इसको इतना न संभालो, दिल चीज है खोने वाली इसको इतना न संभालो, आंखों में बसा लूंगा मैं ये दिल जो मुझे दे डालो, नादान हो तुम नादान हो तुम नादानों से हर चीज कहीं खो जाती है, बुखड़े पे तेरे बिजली की चमक जुल्फों में घटा लहराती है, चल थम के जरा ऐशोला बदन मेरी जान निकलती जाती है, चल थम के जरा। क्या सोच रहे हो रमेश? मुझसे कुछ कहा तुमने? जी हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कि तुम बहुत खोए खोए से रहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जासूसी का चक्कर छोड़ के मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए? मगर ये याद रखना, ये चक्कर उस चक्कर से ज्यादा खतरनाक है, इस चक्कर में आदमी चक्कर ही खाता रह जाता और हाथ कुछ नहीं आता। क्या फजूल की बातें कर रहे हो यार, मैं तो सोच रहा था कि। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे थे, तुम ये सोच रहे थे उस्ताद कि रागिनी को किस तरह हाथ मिलाया जाए, है कि नहीं? मगर रागिनी एक ऐसा पारा है जो चमकता है लेकिन मुट्ठी में नहीं आता। मैंने पहले ही कहा था गलती मेरी थी जो तुम्हें खामखा इस मुसीबत में फंसा दिया। खैर आओ चाय पियो। मिस्टर कुंदन जी, इंस्पेक्टरी करते करते चार दिमाग बेकार हुए हैं। मेरे ख्याल में ये सही वक्त है, इंस्पेक्टरी छोड़ दो और शायरी शुरू कर दो, बाल बिखेर लो और जुटे बढ़ा दो, कसम से बड़े प्यारे लगो। बात पलट रहे उस्ताद, लेकिन ये चोरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, एक दिन रंगे हाथों पकड़े जाओगे फिर पूछूंगा। हाँ, पहले मिस्टर एक्स को तो पकड़ लो। मिस्टर एक्स वो अब ज्यादा दिनों तक मेरे हाथों से नहीं बच सकता। हाँ मिस्टर एक्स, मैं आपके सामने हाजिर हूँ इंस्पेक्टर, मैं आपसे मुलाकात करने आया हूँ। एक्स? जी हाँ, मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया हूँ कि आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने किसी लड़की को गायब नहीं किया, मैं खुद ही उस लड़की की तलाश में भटक रहा हूँ, मैं बेकसूर हूँ इंस्पेक्टर। अगर तुम बेकसूर हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? जिस दिन मुझे वो सबूत मिल गया मैं खुद ही अपने आप को जाहिर कर दूंगा। मैं आपसे यही कहने आया था कि मेहरबानी करके पुलिस मेरे रास्ते की रुकावट न बने, मैं सच्चाई के रास्ते पर हूँ और एक न एक दिन साबित कर दूंगा कि मैं मुजरिम नहीं, मुजरिम कोई और है। गुड नाइट। Thank you.
में तशरीफ लाए थे तशरीफ लाए तो क्या आज मेरा जन्मदिन है? वेरी गुड वेरी गुड। हम कैसे भूल सकते आपका जन्मदिन? हाँ हाँ, ये तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम कैसे भूल सकती हो। अरे तीर और तलवार लेकर तैयार हुई हो शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए नहीं प्रिंस, हम तो शिकार होने के लिए आए हैं। आज तो हम आपसे गाना सुनेंगे। गाना? आपका मतलब संगीत से है? अभी सुनाता हूँ। गर्ल्स अपनी अपनी जगह टेक। तो आप मेरा गीत सुनेंगी? हाँ, हैप्पी बर्थडे मुरली। थैंक यू। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप मेरा संगीत सुनेंगी। हाँ, मैं अभी सुनाता हूँ, लेकिन सुनाने से पहले आपको ये खुलासा कर देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े संगीतकार, देने देना यार, बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा संगीतकार मैं हूँ। हमारे देश के संगीतकार तानसेन जब गीत गाते थे तो जलावा चिराग बुझ जाता था। मेरा मतलब है कि बुझा हुआ चिराग जल जाता था। और अगर दिल में असर हो तो साज अपने आप बजने लग जाता है, मिसाल के तौर पे पियानो। थैंक यू। और मिसाल के तौर पे सै। हे सैक्सोफोन। प्लीज, अब तो सचमुच जादूगर है। प्लीज अब हमें गाने का जादू सिखाइए। भाई अगर तुम इंसिस्ट करती हो तो फिर हमको गाना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन एक बात तुम्हें बता दें कि हमारा संगीत जो है वो बहुत भयानक सा है। घबराना नहीं। नहीं। हाँ तो है उस्ताद, शुरू हो जाओ। अरे हाँ 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 जियो हाय रामा ओ गोरी तोरी बाकी हाय हाय राम गोरी तोरी बाकी ओ गोरी तोरी बाकी बाकी चितवन में उलझ के जिया मोरा सौ बल खाए ओ गोरी तोरी बाकी हाय हाय राम गोरी तोरी बाकी Thank you.
मत भरी आँखियों में डोरे गुलाबी 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 मत भरी आँखियों में डोरे गुलाबी जिसको तू देखे कर दे शराबी मत भरी आँखियों में डोरे गुलाबी जिसको तू देखे कर दे शराबी गिर के उठे उठ के गिरे संभल न पाए ओ गोरी तोरी बाकी हाय हाय राम गोरी तोरी बाकी बाकी चितवन में उलझ के जिया मोरा सौ बल खाए ओ गोरी तोरी बाकी गोरे गोरे मुखड़े पे काला जो तिल है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल गोरे गोरे मुखड़े पे काला जो तिल है अटका उसी में मेरा तो दिल है गोरे गोरे मुखड़े पे काला जो तिल है अटका उसी में मेरा तो दिल है झटका बहुत पटका बहुत निकल न पाए ओ गोरी तोरी बाकी हाय हाय राम गोरी तोरी बाकी बाकी चितवन में उलझ के जिया मोरा सौ बल खाए ओ गोरी तोरी बाकी पलकों में फंस गई ऐसे नजरिया नजरिया फंस गई पलकों में फंस गई ऐसे नजरिया तड़प है जाल में जैसे मछरिया पलकों में फंस गई ऐसे नजरिया तड़प है जाल में जैसे मछरिया पल में इधर पल में उधर हाथ न आए ओ गोरी तोरी बाकी हाय हाय राम गोरी तोरी बाकी बाकी चितवन में उलझ के जिया मोरा सौ बल खाए ओ गोरी तोरी बाकी बाकी चितवन में उलझ के जिया मोरा सौ बल खाए गोरी तोरी बाकी गोरी तोरी बाकी गोरी तोरी बाकी अरे यार ये भी कोई तरीका है आने का बगैर सर के कोई आता है क्या अरे पट्टी बांध के आ जाता बना बनाया काम खराब कर दिया अरे इस तरफ मैं इधर ओ इधर क्या यार सब प्रोग्राम खराब कर दिया जानबूझ कर किया तुम चलो मेरे साथ कहाँ चल जहन्नम में अरे कहाँ चला गया यहाँ हूँ कपड़े पहन लो बैठ जाओ शुक्र है कपड़े पहन लो मुझे मालूम है जो लव सीन तुम कर रहे थे देखो मुरली मैंने तुम्हें हेलन को काबू में लाने के लिए कहा था उससे लव सीन करने के लिए नहीं जानते हो कौन है मिस्टर सिंह का दाया हाथ अरे तो उस्ताद दाया हाथ हुआ तो क्या हुआ तुम क्यों घबराते हो मैंने उसको अपने बाएं हाथ में काबू में कर लिया है लेकिन आप इतनी देर कहां थे तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मैं गिरफ्तार होते हो तो फिर बच गया मुझे खुशी होगी नहीं हुई ना तो ये सुन के खुशी होगी कि मैंने रागिनी से फिर से मिलने का फैसला कर लिया और इस बार मैं भेष बदल के नहीं जाऊंगा ओहो पहली बार आप गिरफ्तार नहीं हुए लेकिन अब गिरफ्तार होने के लिए जा रहे हैं नहीं मुरली बात यह है कि जब तक मैं उसे अपनी असलियत में न मिलूं ना उसे समझा नहीं सकता कि मैं बेकसूर हूं लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम उसे समझाने की कोशिश क्यों करते हो इसलिए कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है क्या मैं मदद नहीं कर सकता मुरली तुम अमीर जरूर हो लेकिन बेवकूफ हो मेरा मतलब है कि जो वो मदद कर सकती वो तुम नहीं कर सकते अच्छा जो वो मदद कर सकती मैं
सुनो। घबराओ नहीं दादी, मुझे पहचाना तुमने? हाँ पहचान लिया। मिस्टर एक्स, क्या लेने आए हो? इस घर का सुख चैन सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता रागिनी, तुम मुझे गलत क्यों समझती हो? तुम जानती हो बरसों से मैं मंजू को चाहता आ रहा हूँ, बरसों से सिंगारी को सीने में दबाए हुए अंदर अंदर सुलग रहा हूँ, और जब किस्मत ने हमें एक होने का मौका दिया है तो न जाने क्या हो गया, कैसे हो गया। अब तक मैं अंधेरे में हूँ रागिनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वही बातें, वही अंदाज आप जरा भी नहीं बदले। उस दिन भी जब आप भेस बदल कर मुझे मिलने आए थे तो आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा। जब मैं धोखा खा गई तो दीदी को धोखा देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? मुझ पर विश्वास करो दादी। किस पर विश्वास करो? दौलत के खातिर आपने अंकल का खून नहीं किया? ये झूठ है। दीदी को आपने नहीं छुपा रखा? ये भी झूठ है। आप झूठ कह रहे हैं। ईश्वर जाने मेरी दीदी जिंदा भी है या नहीं। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मेरी दीदी को वापस कर दीजिए। इस तरह मेरी मोहब्बत की तौहीन न करो दादी। मैं तुमसे यही कहने आया था कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई कसूर नहीं किया, किसी का खून नहीं किया, किसी को गायब नहीं किया। हालात मुझे इस हालत पर पहुंचा दिया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं उतनी ही बेकसूर हूँ जितने कि तुम। तो आप अपने असली हालत पुलिस को क्यों नहीं बता देते? यही तो सबसे बड़ी उलझन है, और इस उलझन का हल है सिर्फ निम्मो। जब तक निम्मो नहीं मिल जाती, इस अंधेरे को उजाला नहीं हो सकता। रागिनी, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बहुत हो चुका है, अब मुझे आप पर कोई विश्वास नहीं। ठीक है, मैं जानता हूं किसी की मदद के बगैर ये काम मेरे लिए आसान नहीं, फिर भी मैं निम्मू को तलाश करके रहूंगा। दीदी, आप तो मर गए। नहीं, वैसे मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन मैं बच गया। तुमने आज भी कुछ नहीं खाया? जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो खाना ही चाहिए ना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। कौन दोस्त और कौन दुश्मन? दुनिया की नजरों में आप मर चुके हैं, लेकिन मेरे सामने आप जिंदा खड़े हैं। मेरे सोचने और समझने की ताकत खत्म होती जा रही है। मैं अगर कुछ दिन और यहां रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, पागल। मेरा दम घुट रहा है। जहां इतना सब्र किया, कुछ दिन और रुक जाओ। तुम्हारी जान को खतरा है, जिससे तुम मोहब्बत करती हो वही तुम्हारा दुश्मन है। उसी ने तुम्हारे डैडी का खून किया, और अब दौलत के लालच में। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो रही है। अगर मैं तुम्हें अशोक के हाथों से बचाकर यहां न लाता तो न जाने तुम्हारा क्या हाल होता। अच्छा होता अगर वो अपने हाथों से मेरा गला घोट देता, यूं सिसक सिसक के जान तो न देनी। ईश्वर के लिए आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। आज तुम बहुत परेशान हो, मैं फिर आऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्रिंस आज इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, प्रिंस मुरली। दोस्तों, मैंने ये होटल हॉलिडे इन रंगून ऊपर से देखा है अच्छी तरह, लेकिन नीचे भी कुछ मामला है ये मुझे पता नहीं था। आगे भी बहुत कुछ है। अच्छा, हेलो। यहाँ तो गैम्बलिंग डन भी है। मैं अपना नसीब आजमाऊं? जरूर जरूर।
लाइए मैडम, कुछ काउंटर दीजिए। वेरी गुड मैडम, नंबर सेवन, सेवन नंबर सेवन, सेवन नंबर सेवन, नंबर सेवन, ओ थैंक यू, नंबर सेवन। कमान नंबर सेवन, कमान नंबर सेवन, कमान नंबर सेवन, नंबर सेवन, नंबर सेवन। लकी सेवन, लकी सेवन प्रिंस। लकी सेवन, ओह लकी सेवन, यूर लकी प्रिंस। ओह लामालाया, मालाया, ओह थैंक, वेरी गुड, जरूर जरूर चलिए आजमाइए। नहीं नहीं ये खेल मुझे नहीं पसंद। हाँ जरूर जरूर वहां चलेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, यहाँ पर भी अपनी किस्मत आता हूँ। मैं आए Well, you're ready to try your luck over here. Oh, not the young lady. The young man is going to try. Oh, that's not my luck. Hey, you cunning little man. I put it on 35. 35. Come on, 35. 35. Silver punch. Silver punch. Silver punch. तीन पे पांच, 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 तीन पे। Sorry, friends, you have lost. Try again. Yes, yes, jalur, jalur. You take this money, you know what? Very good. Now, two pe two, 22. Come on, 22, 22, 22. 22, 22, 22, 22, दो पे दो, दो पे दो, 22, दो पे दो, दो पे दो, 22, 22, 22, 20, oh, bad luck. Sorry, Prince, again you lost, try your luck. Try my luck? Yes. लेकिन बहुत हार चुके हो प्रिंस, अब भी खेलने का इरादा? आप क्या समझते हैं मैं प्रिंस हूँ, कुछ ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। ये लीजिए ये 10,000 की अंगूठी है। नहीं जी, अब और मत खेलो। अरे बुलबुल ये क्या कह रही हो, जब तुम यहाँ लाई हो तो इस पार या उस पार, ये लियो 16। अरे उस्ताद आ गए तुम? क्या बोला? अरे बोला नहीं, अब बोलूंगा पोपट, अब बोलूंगा। सिंह साहब बार बार तो खेल होने वाला नहीं, एक बार ही हो जाए तमाशा। आप भी सब लगा दीजिए, हम भी सब लगा देते हैं। श्योर, हाँ वेरी गुड। विच नंबर? 16, एक और छह। अब तो मुझे ऐसी करने की जरूरत ही नहीं, वहां पर 16 आ जाएगा। देखिए तमाशा देखते जाइए आप। उस्ताद 16, उस्ताद 16, उस्ताद 16, एक पे छे उस्ताद, एक पे छे, 16 16 उस्ताद, 16 16 16, कम ऑन 16, 16 16 16, थैंक यू उस्ताद, 16। लाइए साहब, अब तो साहब अब मैं और नहीं खेलूंगा। मैं जरा इसको कैश कर लेता। अलग फॉलो द प्रिंस। ए उस्ताद अच्छे मौके पर आ गए, अगर नहीं आते ना जल्दी तो वो सिंह का बच्चा मुझे फकीर बना देता। लेकिन लड़की की दोस्ती रंग ला रही है। उस लड़की को मारो गोली, मैं रंग से बेरंग होता जा रहा हूँ। नहीं नहीं, लड़की काम की है, ड्रामा चालू रखो, मैं जा रहा हूँ, कमरे में मिलूंगा। लेकिन सेहत तो नहीं रिजा उस्ताद। ओ थैंक यू। अरे कौन है? डर गए फिर? चलो बाहर चलते हैं, कुछ बातें करेंगे। बाहर चलते हैं? अभी बहुत रात हो गई है, कल मिलेंगे। हा? तुम तो मुझसे कभी बातें नहीं करते। एक हम है, आंखें बिछाए बैठे हैं। अरे अरे रास्ते में आंखें बिछा दोगी तो ठोकर खा के गिरोगी। I'm serious, huh? You're really serious? Yes. अच्छा एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक फर्स्ट क्लास प्रेजेंट ले आता हूँ। मैं? हाँ। प्रेजेंट मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। आंखें बंद करो, ऐसे नजर पोल। वेरी गुड।
कमाल है, तुम यहाँ सिगरेट का धुआं उड़ाओ और वो बिली मेरे गले में डाल दो। कहाँ छोड़ा? वो आंखें बंद करे बुद्ध बन के मेरा इंतजार कर रही है। अरे बात यहाँ तक पहुंच गई, वेरी गुड। देखो वेरी गुड नहीं है, मैं कह देता हूँ तुम्हें, मैं नकली मोहब्बत नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तानी आदमी हूँ। अरे पर तुम आदमी नहीं, प्रिंस हो। प्रिंस? वो भी नकली प्रिंस हो सकता हूँ लेकिन नकली मोहब्बत नहीं कर सकता। ठीक है, कोई मेरा साथ ही नहीं देना चाहता है। जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ उसका पता नहीं। रागिनी मुझे पर शक करती कि मैंने फोन किया और अब मेरा दोस्त भी मेरा साथ नहीं देना चाहता। इस गधे ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता। तुम गधे ने कहा? देखो मैं तुम्हारे लिए हजार मोहब्बत करने के लिए तैयार हूं लेकिन असली नहीं नकली, समझे? नहीं। एक सेकेंड क्यों? टैक्सी। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह ऐतबार कर लूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। ये भीनी भीनी हवा की खुशबू महक है तेरे ही तन बदन की। ये भीनी भीनी हवा की खुशबू महक है तेरे ही तन बदन की। घर के बाया चटक न जाए कोई नवेली चमन की। मेरी कली तुम अगर कहो तो मैं जिंदगी को बहार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह ऐतबार कर लूं। जो बात लब पे मचल रही है वो आज कह दूं नजर मिला के। किसी की होके ये चैन खोके मैं दिल को क्यों बेकरार कर लूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। Thank you.
अब धड़कने हमारी न और ला इम्तिहा हमारा गिनो न अब धड़कने हमारी न और लो इम्तिहा हमारा इसे न समझो तुम आजमाइश यही तौर पर कहे इशारा अगर ये सच है अगर ये सच है तो मरते दम तक मैं आपका इंतजार कर लूं बड़ा है धोखा तेरी नजर में मैं किस तरह एतबार करूं बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं बस यही है दास्तु अब तो तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हुआ ना अभी तो शुरू हुआ है उसके आगे जानकर भी क्या करोगे डैडी ने छोटे भाई की मौत के बाद अपने आप को शराब में डुबो दिया है और दीदी का अब तक कोई पता नहीं चला क्या तुम्हें यकीन है रागिनी ये सब अशोक ने किया है यकीन न करने में अब रही क्या गया है मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या सोचती हूँ मैं सोचती हूँ कि मुझे बताओ शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ कई दिनों से मैंने अपने होटल के स्टेज के नीचे से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें सुनी मुझे शक है देखो रागिनी अगर जरा सा भी शक हो ना तो उसे दिल में जगह नहीं देनी चाहिए बल्कि हमें मिलकर पता लगाना होगा ओह मगर वहां तक जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है भाई कुछ नहीं आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ हम दोनों मिलकर तुम्हारी दीदी का पता लगाएंगे ये कैसे कागजात हैं तुम्हारा बोझा अपने सर ले रहा हूं ये सारी जायदाद जिसकी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई उसकी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर ले रहा हूं यानी तुम अपनी रजामंदी से पूरी जायदाद मेरे हवाले कर रही मगर क्यों किसलिए मुझ पर भरोसा रखो अब मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती एक बार इन कागजात पर दस्तखत करने के बाद तुम इन तमाम परेशानियों से आजाद हो जाओगी और मैं भी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती इस जायदाद पे मेरी दीदी का भी हक है मुझे कोई जल्दी नहीं सोच लो मैं ये कागजात यहीं छोड़े जा रहा हूं कम इन राहे तुम अभी तक तैयार नहीं हो आपकी तारीफ आप इन्हें नहीं जानते आप बहुत अच्छे कलाकार हैं आज अचानक रंगों में मुलाकात हो गई मगर मेरे ख्याल में ये तो काफी दिनों से हमारे होटल में ठहरे हुए हैं जी हाँ मगर इनसे मुलाकात मेरा मतलब है नजदीक आने का कभी मौका नहीं मिला और जब आज मौका मिला मैंने इन्हें मजबूर कर दिया है आज के शो में ये भी मेरा साथ दे रहे हैं वेरी गुड तब तो प्रोग्राम में मजा आ जाएगा थैंक यू वेरी मच मिस्टर रमेश वैसे मुझे उमर खैम भी कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग नेम इंडीड अच्छा तो आप लोग तैयार हो जाइए सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं ओके थैंक यू शो के बाद का प्रोग्राम याद है ना हाँ याद है चलो काविर नजर टकराए काफिर नजर टकराई दिल की हुई रुसवाई की आंखों की खता पर दिल ने सजा पाई काफिर नजर टकराई दिल की हुई रुसवाई की आंखों की खता पर दिल ने सजा पाई काफिर नजर टकराई
न वहशत न जुनू था के पहले तो न यूं था, न वहशत न जुनू था के पहले तो न यूं था, हमारे दिल का आलम बड़ा ही पुरसुकून था। गजब हो गया चिल मन तूने सर का ये काफिर नजर टकराई, दिल की हुई रुसवाई, थी आँखों की खता पर दिल ने सजा पाई, काफिर नजर टकराई। खुदाया ये अच्छा नाम पाया, के लोगों ने हमारा तारुफ यूं कराया। उधर देखिए वो बैठे है सौदाई, काफिर नजर टकराई, दिल की हुई रुसवाई, आँखों की खता पर दिल ने सजा पाई, काफिर नजर टकराई। ये चर्चा आम होगा सवेरे शाम होगा, ये चर्चा आम होगा सवेरे शाम होगा, जमाने के लबों पर हमारा नाम होगा, लगे ढूंढने हम फिर में तन्हाई, काफिर नजर टकराई, दिल की हुई रुसवाई, थी आँखों की खता पर दिल ने सजा पाई, काफिर नजर टकराई, दिल की हुई रुसवाई, थी आँखों की खता पर दिल ने सजा पाई, काफिर नजर टकराई। देखा तुम? मेरा ख्याल है वो सब बिजी। कहाँ से आवाज सुनी तुमने? नीचे से। नीचे से? आखिर आज हम अपनी मंजिल तक आ ही पहुंचे। खोल तुम्हारी ये भूली की आवाज है। मेरी एक रिश्तेदार पागल, दुनिया की नजरों से बचाकर इसे मैंने यहां रखा हुआ। मगर मिस्टर सिंह, ये तुम्हें दोबारा इस मतलब के लिए उमर खयाम नहीं बनना पड़ेगा। मिस्टर रमेश, रागनी की दीदी कहां है? अगर मुझे मालूम होता तो मैं एक सेकंड में सामने लाकर खड़ा कर देता। मुझे तो खुद उसकी तलाश है। अच्छा
मैं दस्तखत नहीं करूंगी। इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। एक बात पूछूं, दुनिया की नजरों में आप मर चुके, फिर ये जायदाद लेके आप क्या करेंगे? मैं बहस करने नहीं आया निम्मो। मेरी बात का जवाब हाँ या ना में दो। तुम इन कागजात पर दस्तखत करती हो या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं। नादान न बनो, तुम्हारी ये जिद तुम्हें मौत के मुंह में ले जा सकती है। मौत? आगे कौन सी जिंदा हुई? सुबह होने तक अगर इन कागजात पर दस्तखत नहीं हुए, सचमुच मौत के हवाले कर दी जाऊंगी। तुम्हें मुझ पर शक करती हो? क्या तुम्हें भी यकीन है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे और धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ तुम रामलाल के साथी हो। रामलाल? वो तो मर चुका। जैसे कि तुम जानते ही नहीं। क्या निम्मो? कितनी अजीब बात है, वो मरकर भी जिंदा है और मैं जिंदा होकर भी मर चुकी हूँ। निम्मो, ये बहस का वक्त नहीं, चलो निकल चले यहाँ से। छोड़ दो मेरा हाथ। तुम्हारे हाथ मेरे पिताजी के खून से रंगे हुए हैं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हारे पिताजी का कातिल नहीं हूँ? तुम्हें नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से आया हूँ। प्लीज निम्मो, चलो इसे पी लो ताकि हम गायब हो जाए और आसानी से यहाँ से निकल जाए। मैं सब समझती हूँ, मेरी जायदाद के लिए तुम मुझे जहर देके मार देना चाहती हो। नहीं निम्मो, मैं तुम्हारी जान बचाने वाली नहीं। समझ में नहीं आता तुम सब लोगों के होते हुए भी वो यहां आया कैसे? अब मिस्टर एक्स ने इस जगह को पहचान लिया है, इसलिए हमें इस जगह को फौरन छोड़ देना चाहिए। और सुनो, सुबह होते ही इस लड़की को ठिकाने लगा दो।
इसका जिंदा रहना खतरनाक है। मेरी मानो और यहां से चले चलो। वाह यार, अच्छे दोस्त हो तुम, खूब चला दे रहे हो, मंजिल के करीब पहुंच कर लौट जाओ। तुम मेरी बात कभी मानते भी हो? मैं उल्लू का पट्ठा हूं जो तुमको हमेशा नसीहत देता हूं। उल्लू का पट्ठा लेकर नाराज होने की क्या बात है? क्या कहा? अच्छी बात है भाई, तुम प्रिंस हो, तुम्हें नाराज होने का हक है। तुम जानते हो मैं तुम्हारे रैम पर रंगून में पड़ा हूं, तुम इशारा करोगे तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मैं जेल में जा। बस तुम्हारा लेक्चर पूरा हो गया, अभी सीधी तरह से पट्टी बांधने दो नहीं तो मुंह पे पट्टी बांध दूंगा। लेकिन नम्मो भी मुझे खूनी समझती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। अब ये लेक्चर बंद करोगे? नहीं नहीं, सोचने की बात है, अगर मैं तहखाने पर न भटक जाता तो ये हालत न होती मेरी। रास्ते सभी एक होते हैं मिस्टर एक्स, आप सफर के लिए तैयार हो जाइए। मिस्टर अशोक, आपको सेठ जमुना दास के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ओ आस्ते, अब तो बचना मुश्किल है मुरली। असली पुलिस मालूम होता है अशोक, ये बंदूक में असली गोली है? अब भरी होगी, जरा दिखा सकते हैं? चलिए, आपने बहुत परेशान किया, चलिए। मिस्टर सिंह, कभी कभी आदमी जानबूझकर परेशान होना चाहता है, देखिए ना, आपके दोस्त ने अपनी परेशानी का सामान खुद पैदा कर लिया। तशरीफ लाइए अशोक। आइए। आप बैठ गए? बैठ इसलिए गया कि भाग नहीं सकता। आप भी बैठे, आपसे कुछ कहना है? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, आप चलिए। देखिए, आपको जिसकी तलाश है उसका पता मुझे मालूम है। मिस्टर, आई नो ऑल योर ट्रिक्स, आप सीधी तरह चलिए। ट्रिक्स? आप मुझ पर विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब। विश्वास और आपका? आपको जो कुछ कहना है चल के पुलिस स्टेशन कहिए, आइए। देखिए, आपसे बेहोश हो रहा हूँ। आई एम सॉरी। आइए। की परेशानी देखकर हंसी आ गई, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। जी हाँ, मगर कानून के हाथ भी काफी लंबे होते हैं। आज आपको गिरफ्तार कर ही लिया मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्यों? अब तो मैं दिखाई दे रहा हूँ। अशोक कहिए। लेकिन अगर इस वक्त मैं गायब हो जाऊं तो? नामुमकिन, अब आप हमें और चकमा नहीं दे सकते। अच्छी बात है, आप हमें सिगरेट तो दे सकते हैं। जी हाँ। थैंक यू। माचिस तो है, ये लो। मैं जानता हूं तुमसे मिले बगैर कोई रास्ता नहीं। मुझसे क्या चाहते हो? मैं ये तुमसे कहने आया हूं। Thank you.
That's better. Come on, number six. Number six. Number six. It's coming. Mr. Monte Carlo, you are losing. You are first. Yes. Excuse me. Sure. बंबई से गायब शुदा लड़की निम्मू की लाश अचानक समंदर के किनारे पाई गई। पुलिस अभी तक इस राज को हल करने की कोशिश में है। हेलन, माय स्टार्स हैव चेंज्ड। चलो ये कांटा भी अपने आप ही दूर। अरे अरे। यस हेलन, अब मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़ी जायदाद का मालिक बनने वाला। तुम्हारी भी तरक्की हो जाए, मैं तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लूंगा। मगर काम तो वही रहेगा ना सर प्राइवेट। बहुत समझदार हो। सेठ जमुना दास जी की वसीयत तो तुम सुन चुकी हो, मगर एक बात और भी मुझे तुमसे कहनी है। सही। मुझे ये सब कहते हुए खुशी भी होती है और दुख भी। खुशी इसलिए कि तुम एक बहुत बड़ी जायदाद की मालिक बन गई हो, और दुख इसलिए कि इसी जायदाद की खातिर सेठ जी की जान गई और उनके पार्टनर रामलाल को मौत के घाट उतार दिया गया, और इसी जायदाद में तुम्हारी दीदी तुमसे छीन ली गई। आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? बेटी, दौलत नेक से नेक इंसान को भी गुनाह के अंधेरे में धकेल सकती है। मुझे सिर्फ तुमसे यही कहना है कि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, यहाँ तक कि जो तुम्हारे बहुत नजदीक हो, जो तुमसे प्यार करता हो, वो भी तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर सकता है। वकील साहब। बेटी, मेरे दिल में जो वहम था मैंने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी अपना ख्याल रखना। अरे और ही तो रह गया, अब पियो ना। नहीं, आप ले चलिए। मजाक का वक्त था, मैं तो बिल्कुल डर गया था। मैं भी डर गया था बिल्कुल। अच्छा क्या हुआ? हमने जो सोचा था वही हुआ। यानी रागनी पर? हाँ, उस पर डायरेक्ट हमला तो नहीं हुआ, लेकिन किसी ने उसकी गाड़ी के ब्रेक निकाल दी। क्या कहा था मैंने? मैं जानता था कि निम्मो की मौत के बाद कातिल का रुख रागनी की तरफ होगा। शायद उनके दूसरे वार से बच न सके, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। आप ठीक कहते मिस्टर अशोक, हमें जरूर कुछ करना चाहिए। मैंने आपको बहुत गलत समझा है। कोई बात नहीं, आइए चलिए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं रागनी के पास जा रही हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। तुम सारा खेल बिगाड़ दोगी। तुम समझो कि मैं तुम्हारे पिताजी का कातिल हूँ और तुम जिंदा नहीं मर चुकी हो। जब तक हम कातिल का पता ना लगा तुम नहीं। करेक्ट। आइए प्लीज। ये क्या हुआ? यू आर बाउंड अप बाय टू कैप्चर। सर, एक आदमी आपसे मिलने के लिए आया था, उसी ने मुझे बांध लिया और आपके कागजात। मेरे कागजात? माय डॉक्यूमेंट्स। उसका हुलिया क्या था? वो कौन था? किधर गया? कैसे आया? कितना आया? ऐसा लगता है सर कि उसे कहीं देखा हुआ, उसे कहीं देखा हुआ और उसकी तस्वीर किसी अखबार में। What's all this nonsense? All right, you are in the papers. I call the police. इस दुनिया में शरीफ आदमी का कोई गुजारा नहीं। मानते उस्ताद, कॉलेज के जमाने में तो मानते ही थे,
मगर आज की कामयाबी पर जी चाहता है तुम्हारा मुंह चूम लूं। लौंडिया एकदम शहद की तरह चिपक गया। तुम कहते थे कि हो ही नहीं सकता, हो गया? नहीं हो गया? अमा कमाल हो गया। कौन सा सुरमा लगाते हैं आप आंखों में? सुरमा नहीं हुजूर, आंखों में दिल निकाल कर रखा करते हैं यार लोग। समझे? आप कोल्ड ड्रिंक? और जरा कोल्ड ड्रिंक्स भी ले। कोल्ड ड्रिंक तो समझे बरखुरदार, मगर ये बताओ कहीं लौंडिया से सचमुच तो इश्क नहीं करने लगे? जी जी कमाल करते हो यार, कॉलेज का जमाना भूल गए? ऐसे इश्क तो हमने हजारों कर डाले। अब चुप चुप की क्या बात है यार, ये तो तुम्हारी बात को झुठलाने के लिए इतना लंबा चक्कर काट डाला, वरना इतनी देर लटकाए रखना अपना असूल ही नहीं। अबे रागनी रागनी, अरे रागनी को देख ही लेंगे यार, पर इसकी जायदाद के बारे में तो सोचें। क्या ख्याल है अगर मिल जाए तो? क्या ख्याल है अगर आ गई हो तो? मतलब है नमस्ते रागनी देवी। सीरियस क्यों हुई? मैं तो कुल्लन के साथ मजाक कर रहा था। मजाक? मजाक तो मेरे साथ हुआ है, मेरी मोहब्बत के साथ हुआ है। मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ नहीं समझती थी। रागनी छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ। अब खड़े क्या सोच रहे हो? मैं तो पहले जानता था ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, वो क्या सोच रही होगी? मैं नहीं जानती थी दौलत का लालच तुम्हें इतना गिरा सकता है। तुम मुझे लाजी, मैं तो गलतफहमी को दूर करने आया हूँ, तुम मेरा यकीन करो। अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं, वकील साहब ने सच कहा था, हर कोई मेरा दुश्मन है, मेरी जायदाद ही मेरी दुश्मन। इस जायदाद ने दीदी को छीन लिया, अंकल को छीन लिया, अब मेरी मोहब्बत भी मुझसे छीन ली। चले जाओ यहाँ से रमेश, मैं तुम्हें भूल जाना चाहती हूँ। रागनी मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो और सच कहो, क्या तुम मुझे भूल सकती हो? भूल सकती हूँ मुझे? हाँ सुना तुमने, बहुत धोखा खाया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाने की कोशिश की थी रागनी, मगर तुम समझती थी मैं झूठ कहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे दिल के जलाने के लिए ऐसी बातें करता हूँ। मगर तुम नहीं जानती चोट तुम्हारे दिल को लगती थी और तकलीफ मुझे होती थी। मिस्टर सिंह मेहरबानी करके मुझे वो सब याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए, मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। उसे भूल जाना ही बेहतर है, तुम्हारे आगे तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, नए रास्ते नई मंजिल नए साथी। क्यों अंकल? यू आर राइट सिंह, रागनी अब तो तुमने अपना इरादा बदल दिया होगा। इसमें भी कोई पूछने की बात है? जाहिर है इंसान ठोकर खाकर ही संभलता। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सिंह, इंसान ठोकर खाकर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो कल अच्छा दिन, मैं अपने चंद दोस्तों को भी इनवाइट किए लेता हूं और मंगनी का भी ऐलान कर दिया जाएगा। मेरा दिल बहारों का वो फूल है, मेरा दिल बहारों का वो फूल है जिसे गुलशिता की नजर लग गई, किसी ने जलाया नहीं ये चमन, किसे बाहुबा की नजर लग गई। Thank you.
उदास नहीं देख सकता। तुम्हारा दिल बहलाने के लिए मैंने एक शानदार प्रोग्राम बनाया है डार्लिंग। जी। कल सुबह हम समंदर की सैर को जाएंगे। मैं आ सकता हूँ? ओ वकील साहब, आइए आइए वकील साहब। माफ कीजिए, मुझे जरा आने में देर हो गई, हालांकि मुझे सबसे पहले आना चाहिए था। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज एक्सेप्ट माई प्रेजेंस। कहीं घूमने का प्रोग्राम हो रहा है? जी हाँ, इरादा तो कुछ ऐसा ही। गुड गुड। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे पहले ही आपका तोहफा ढूंढने में काफी देर हो गई। जीती रहो बेटी, जीती रहो। गुड लक। थैंक यू वेरी मच। चलो राजू, मेहमान इंतजार कर रहे हूँ।
रामलाल जी आप? हाँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ और मेरे जीते जी तुम रागिनी और उसकी जायदाद पर कब्जा नहीं कर सकते। अब तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती। रागिनी का ख्याल छोड़, होश की बात करो। रागिनी मेरी होने वाली बीवी है। यू शट अप। नहीं रागिनी, वो तुम्हारा दुश्मन था, मुझ पे भरोसा रखो। आओ मेरे साथ चलो। आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आप जिंदा हैं? मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। अब तो तुम्हें विश्वास कर लेना चाहिए। अब तो तुम निम्मा, तुम क्यों? आप मरकर जिंदा हो सकते हैं, मुझे जिंदा देखकर आपको पसीना क्यों आ रहा है? निम्मो, आगे बढ़ने की कोशिश ना करना, मुझे तुम्हारी असलियत का पता लग चुका है। निम्मो, मैं तुम दोनों का दोस्त हूँ और तुम दोनों को साथ देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। तुम दोनों को हमेशा क्यों वक्त जाया कर रहे हो? रिवॉल्वर खाली। Thank you.
बेचारा मुझे मुझे दिन समझता था, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि वकील साहब शुरू से जमनादास की दौलत पर नजर जमाए बैठे थे, इसलिए सबसे पहले इन्होंने उनके पार्टनर रामलाल को खत्म किया। उसके बाद वो बंबई पहुंचे और उनको जमनादास जी का खून करने का अच्छा मौका मिल गया।
उसके बाद मेरी लेबोरेटरी से दवा चुराकर निम्मो को गायब कर दिया और अब तक वो ये पहनकर निम्मो को धोखा देते रहे। लेकिन मुझे उनकी असलियत का पता उस दिन चल गया जिस दिन मैंने चुपके से उनके कमरे की तलाशी ली। रामलाल का नकली चेहरा और जमुना दास की असली वसीयत, उसमें लिखा था कि सब बारिशों के खत्म होने के बाद जायदाद वकील साहब को ट्रस्ट की सूरत में मिलेगी, इसीलिए शायद वकील साहब एक एक को ठिकाने लगाने लगे। दरअसल वकील साहब थे एक्टर कमाल के। अशोक साहब, ये वकील साहब एक्टर थे कमाल के, ये बात तो मानी हुई, लेकिन आप भी कुछ कम एक्टर नहीं है। वो तो ठीक ही है, कुछ ठीक ही कुछ नहीं, अजीब दोस्त है ये। मैंने इतनी मेहनत करके रामलाल के ठिकाने का एड्रेस बताया और तू मुझे कुछ क्रेडिट नहीं देता। अरे अरे जिंदगी में कुछ तो किया। बहुत हंसी है तुम्हारी आँखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार करूं।